जाना, तूने बहुत रोमांटिक पिक्चरें देखी है ना, तूने कोई ऐसी पिक्चर देखी है जिसमें हीरोइन का नाम पूर्वी होता है, हीरो उससे बहुत प्यार करता है, पर पूर्वी को ना शुरू में कुछ समझ में नहीं आता और वो उसे मना कर देती है। फिर जब हीरो किसी और लड़की से शादी करने वाला होता है तब पूर्वी को रियलाइज होता है, वो शादी के मंडप में पहुंच जाती है और प्रची, एक सेकंड, तुझे ये पूर्वी की कहानी किसने सुनाई? रणबीर ने। रणबीर ने तुझे कोई मूवी की कहानी नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी कहानी बताई है, तुम्हारा फ्यूचर बताया। रणबीर तुझे इनडायरेक्टली कहना चाहता था कि तू तो उसके बिना नहीं रह पाएगी, जिस दिन वो रिया से शादी करेगा ना तो भाग कर जाएगी, उसकी शादी रोक देगी। शाना चुप कर, कुछ भी बेकार के आइडियाज मत डाल मेरे दिमाग में, ऐसा कभी नहीं होने वाला। प्रची तू पागल है क्या? तेरा दिमाग खराब है, तुझे समझ में नहीं आता। प्रची अगर तेरी जगह मैं होती ना और कोई लड़का मुझसे इतना प्यार करता, मुझे इतने हिंट देता ना, मैं पागल हो जाती, भाग कर चली जाती उसके पास। और तू, तुझे उसका प्यार नहीं दिखता, तुझे तू उस बेचारे रणबीर का दिल तोड़ रही है। मेरी बहन है ना तू, उसकी साइड क्यों लेती रहती है बार बार? प्राची मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, मैं तुझे सिर्फ रियलिटी बता रही हूँ। तुझसे बात करना ही बेकार है, मुझे बात ही नहीं करनी। हाँ ठीक है तू जा, मुझे भी ना तुझसे कोई बात नहीं करनी है। प्राची बस मेरी एक बात मान ले कि रणबीर ना तुझसे बहुत प्यार करता है, तो एक्सेप्ट करे या नहीं करे बट ये सच है। आई डोंट केयर, आई जस्ट डोंट केयर। तो फोन लॉक्ड है, इसका पासवर्ड। माँ क्या कर रही हैं आप? अरे ये तनु का फोन है, यही चेक करने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली किसी के बारे में कुछ पता करना हो ना तो आजकल उसका फोन ही चेक करना चाहिए। गुड आइडिया। तनु आंटी है कहाँ लेकिन? अरे वो वॉशरूम है, गलती से ना सरिता जी से उसकी साड़ी पे चटनी गिर गई थी तो वही साफ कर रही। सरिता आंटी ना बहुत चेताने बता रही हूँ मैं। तो चुप कर, ऐसे नहीं बोलते। अच्छा ठीक है, आप ये करो, मैं तब तक ना कोशिश करती हूँ सरिता आंटी के साथ मिलके तनु आंटी को रोकती हूँ, है ना? ऑल द बेस्ट, जल्दी जल्दी ध्यान से। पासवर्ड क्या होगा फोन का? 75% पासवर्ड वीक होते हैं और 90% लोग अपना पासवर्ड 1 2 3 4 रखते हैं। 1 2 3 4 1 1 1 1। और कितनी देर में साफ होगा? 5 मिनट तो रुकना पड़ेगा। 5 मिनट तो हो गए होंगे ना? अभी तो ना सिर्फ 3 मिनट हुए। ये तनु चाहे कितनी भी स्मार्ट हो गई हो, इतनी भी स्मार्ट नहीं हुई। पासवर्ड 111। ओह नो, इसने तो सारे मैसेजेस डिलीट कर रखे हैं। मेरा फोन बज रहा है। बात समझने की कोशिश करो प्रदीप, मैं हमारे फ्यूचर की ही प्लानिंग में लगी हुई हूँ। हेलो तनु, घर पे क्यों नहीं हो तुम? मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बच के कहीं जा सकती हो? नहीं तनु, मैं तुम्हारी कुंडली पर राहु बन के बैठा हूँ, समझे तुम? इसलिए तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो, कितना भी मुझसे दूर भागने की कोशिश करो, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती हो। मैं तुम्हारे एक्स हस्बैंड के जैसे बेवकूफ नहीं हूँ जिसे तुम जब चाहे जैसे चाहे बेवकूफ बना दो, समझी तुम? मैं तुम्हारा प्रेजेंट होता हूँ।